हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भाई साहब अपन जो है भैया ढेर सारी जम के जो छेड़छाड़ है अपने इस हंसते खेलते चेहरे वाली इमेज के साथ करने वाले हैं। और इसमें अपना सबसे बड़ा सपोर्ट कौन करने वाला है पता है? PIL, पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी, जिसका इस्तेमाल अपन कुछ हद तक अब तक कर भी चुके हैं, देख भी चुके हैं, लेकिन आज भैया बहुत ज्यादा इसको अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं। और इस रेसिपी को बनाने के लिए ऑब्वियसली इस वीडियो के लिए आपको जो जो भैया सामग्री लगने वाली है वो आपके सामने, जैसे कि भैया नंपाई तो लगने वाला है तो उसको ले लिया जाए, क्योंकि नंपाई तो भैया अपन शुरुआत से खेलते आ रहे हैं, चाहे एरेस की बात हो या फिर इमेजेस की बात हो, मैट प्लॉट लिप भी अपने को यहां पे आगे चल के लगने वाला है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नमक है भैया आज के इस वीडियो का इंग्रेडिएंट है नमक, PIL, इस रिस्पेक्टिव खाने का जो आज अपन बनाने वाले हैं विविध विविध प्रकार का, दैट इज PIL, इंपोर्ट करने वाले मॉड्यूल इमेज फ्रॉम दैट। ठीक है, अब सबसे पहले तो भैया अपने को इमेज चाहिए, तो उसके लिए भैया मैंने यहाँ लोकेशन दिखा दी है, यहां से ले लो भैया। अब जरूरी नहीं कि भैया आप भी यही लोकेशन मेंशन करोगे, डेफिनेटली आपको एक डिफरेंट जो लोकेशन, जो आपके सिस्टम की लोकेशन होगी उस इमेज की, वो आपको वहां पे बतानी, स्पेसिफाई करनी पड़ेगी इन द राउंड ब्रैकेट्स ऑफ दिस मेथड ओपन इन इमेज मॉड्यूल। ठीक है, तो फिर रिटर्न में भैया आपको इमेज तो मिल जाएगी, तो मैंने कैच कर दिया IMG में, मैंने रिटर्न कर ली, कैच कर ली और दिखा दी आपको भैया ये हंसता खेलता चेहरा आपके सामने इमेज के रूप में मौजूद है। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं इस इमेज को जानने से। मान लीजिए आपको कुछ बेसिक फंडे जो है इस इमेज के बारे में जानने हैं, तो शुरुआत कुछ ऐसे आप कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला बेसिक सा जो एक फंडा आप जान सकते हैं, गेट बॉक्स। गेट बॉक्स यहां पे एक मेथड आप लगा सकते हैं इस IMG के साथ, डॉट गेट बॉक्स। अब इससे होता क्या है, देखो आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, 0.01080 1080, मतलब यहां पे आपको जो भी यहां पे जो पॉइंट्स प्राप्त हुए, दे आर बेसिकली द बाउंडिंग बॉक्स, बाउंडिंग पॉइंट्स। मतलब आप देख सकते हो यहां पे जो आपकी इमेज है एक तरीके से डिब्बा ही है, ओके और इसके जो बाउंडिंग पॉइंट्स हैं वो आपको रिस्पेक्टिवली रिटर्न किए जा रहे दिखा जा रहे हैं। आप इसको समझ सकते हैं जैसे कि मैं साइज के साथ, अभी जब मैं आपको समझाऊंगा बात, जैसे IMG.size, आप IMG.size में आपको देख सकते हो यहां पे क्या आ गया, मुझे इसकी साइज प्राप्त हो चुकी, दैट इज 1080 बाय 1080। अब उसी तरीके से यहां पे जो ये अपर बाउंड कह सकते हो इस इमेज का, इस बॉक्स का, वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। नाउ आई होप यू आर एबल टू रिलेटेड एंड अंडरस्टैंड इट। उसके बाद भैया सबसे बेसिक फंडा फॉर्मेट जानना है, भाई साहब मुझे समझना है कि इस इमेज का फॉर्मेट क्या है, तो वो है JPEG इमेज है भाई साहब, ये भी उसने आपको बता दिया है। अब यार मुझे इसके साथ थोड़ा खिलवाड़ करना शुरू करना है, मैं कब तक इंतजार करूं यार, मुझे इसको छेड़ना, मुझे इसको खिलवाड़ करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अपने इमेज को रोटेट करना होता है, आपने कई सारे एप्लीकेशंस में देखा होगा या फिर इनबिल्ट एप्लीकेशंस भी आपके कैमरा की होती है जहां पे एडिटिंग में आपको जो आपका इमेज है वो रोटेट करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहां पे अगर हम वैसा करना चाहे, उसके लिए कोड करना चाहे, तो बड़ा सिंपल है भैया, यहां पे आपको जो है मेथड प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसका नाम ही रोटेट है, और रोटेट में आप सिर्फ एंगल मेंशन कर दीजिए, रोटेट में आप क्या कीजिए, एंगल मेंशन कर दीजिए। जैसे ही मैं 90 डिग्री एंगल मेंशन करता हूं तो उस डिग्री में आपकी इमेज जो है वो घूम जाती है, आप देख सकते हो पहली इमेज ऐसी थी, अब वो 90 डिग्री में भाई साहब कुछ इस तरीके से जो है घूम चुकी है। अब अगर आप कोई और एंगल मेंशन करते हो जैसे कि 180, तो भैया सर ऊपर, सर नीचे, पैर ऊपर हो जाएंगे, कुछ इसी तरीके से भैया इमेज आपकी पहले कैसी थी, अब ये पूरा 180 डिग्री जो है वो एक तरीके से चेंज हो चुकी है, रोटेट हो चुकी है। तो मतलब इस तरीके से आप जो है रोटेट इस मेथड में कुछ अपना जो एंगल है रोटेशन का वो यहां पे मेंशन कर सकते हैं और दिखा सकते हैं भैया कि देखो किस तरीके से ये रोटेट कर रही है। अब मान लीजिए 90 180 तो हो गया, अगर मैं कुछ और दिखाना चाहूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पे 270 कर देता हूं और फिर इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखिए अब ये 270 हो चुका है, मतलब एक तरीके से 270 में रोटेट हो गया। लेकिन 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 एक मिनट, ये क्या भैया, आपकी इमेज तो पहले ऐसी थी, बराबर यही तो इमेज थी आपकी, अब यहां पे ये इमेज के ऊपर इमेज कैसी लग गई है भाई साहब, देखो रोटेट तो हो गई है लेकिन इमेज में बदलाव कैसे आया, पहली इमेज जो थी वो सिंगल थी, अब इसके ऊपर ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर सेम इमेज चिपका दी हो। ये क्या फंडा है भैया, ये कैसे किया जाता है? चलो अगर ये आपको समझना है, ये अगर आपको जानना है, तो चलो पहले उस सवाल का जवाब दे देते हैं। ठीक है, अगर उस सवाल का जवाब देना है तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहली बात तो आप इस ओरिजिनल इमेज का एक कॉपी निकालेंगे, जो मैंने यहां पर निकाल लिया, और उस कॉपी का नाम है IMG1। अब यहां पेस्ट मेथड का आप यूज करोगे, क्या करोगे, पेस्ट मेथड का। मैंने यहां पेस्ट मेथड रख दिया, किसको पेस्ट करना है, IMG1 को पेस्ट करना है। किस पे पेस्ट करना है, IMG पे पेस्ट करना है। IMG आपकी बेस इमेज है, ओरिजिनल इमेज है, उसके ऊपर आपको ये जो कॉपी है IMG की, IMG1, उसे पेस्ट करना है, और कहां पेस्ट करना है उसका जो लोकेशन है वो भी आपको बता देना है, 100 बाय 100। तो यहां पे आपने वो सारी चीजें स्पेसिफाई कर दी हैं,
सब कुछ तय हो चुका है, आपकी इमेज जनरेट हो चुकी है और उसको आपने सेव कर दिया है। और जैसे ही आप उसको सेव करते हो, उसका नाम देखिए मैंने क्या सेव किया, 1234.5.jpg। और जैसे ही मैं 1234.5.jpg को खोलता हूं, आपके सामने इमेज है जो कि एक के ऊपर एक लग चुकी है अकॉर्डिंग टू द पोजिशन जो मैंने वहां मेंशन की थी, 100 100। बराबर है दोस्तों, चीजों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलो इन आंकड़ों के साथ थोड़ा सा फेर बदल करके देखते हैं, थोड़ा सा इनको चेंज करके देखते हैं। 100 की जगह मैं 500 कर देता हूं और यहां पे 100 की जगह मैं 600 कर देता हूं। लेट्स से ओके, मैंने चेंज कर दिया और मैं वापस से वही जो सेल्स हैं एग्जीक्यूट करता हूं और वो मेरा करते करते वो सेव हो चुका है। और जैसे ही सेव हो चुका है, मैं वापस यहां जाता हूं और मैं इसको भैया वापस से लोड करता हूं। आप देख सकते हो, यू कैन सी दिस थिंग, पहले जो ये ओरिजिनल आपकी जो पहली इमेज थी जो मैंने पहले एग्जीक्यूट की थी, मैंने पहले रन की थी, तो ऑब्वियसली वो पेस्ट हो गई थी। अब जो मैंने चेंज किया है उसके ऊपर एक्चुअली इस ओरिजिनल इमेज की कॉपी बनी और उस कॉपी को मैंने वापस से इस इमेज के ऊपर पेस्ट किया, जो कि आप देख सकते हो इस तरीके से इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एज पर द आंकड़े जो हमने मेंशन किए थे वो यहां पे पेस्ट हो चुकी है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। बढ़िया तरीके से मैंने आपको सारी चीजें यहां पे अभी बताई हैं रिलेटेड टू भैया कॉपी पेस्ट करना, एक के ऊपर एक चिपका देना। तो भैया उस सवाल का तो मैंने जवाब दे दिया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऑपरेशन को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी इमेज को रिसाइज करना है, जैसे कि अभी ये साइज क्या है इसकी इमेज की, हमने देखी थी ऊपर 1080 1080। अब अगर मैं इसको 100 by 100 कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको रिसाइज कर दूं तो यहां पे इसको आपको रिसाइज ये फंडा यहां पे लगाना पड़ेगा। और जैसे रिसाइज लगाओगे आपके सामने जो है भैया इमेज जो है मेरी रिसाइज हो चुकी है। तो यहां पे दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी कि भैया देखो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, यहां पे साइज इसकी कम हो गई, ये छोटे फॉर्म में दिख रहा है, वो बड़े फॉर्म में दिख रहा था, बट एज सच उस रिस्पेक्टिव इमेज में आपको कुछ अलग नहीं देखने को मिल रहा है, बस साइज जो है उसका फर्क आपको यहां ऑब्जर्व हो जाएगा। देखिए वहां पे जो था भैया हाइट और विड्थ वो 1080 एक ही आंकड़ा था, यहां पे भी जो हाइट और विड्थ आपकी इमेज की है वो भी आप एक 100 ये 100 का आंकड़ा है, मतलब एक तरीके से स्क्वायर फॉर्मेशन में आपको ये चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मेरा हाइट डिफरेंट और विड्थ डिफरेंट, ये दोनों आंकड़े डिफरेंट हो तो मतलब इट इज नॉट इन द सेम वे एज इक्वल एज 100 और 1080। अगर वो आंकड़े डिफरेंट हो, जैसे कि रिसाइज करते 500 और 100 मैंने अगर कर दिया तो मतलब यहां पे 500 आपकी इमेज की विड्थ होगी और 100 जो है वो आपकी हाइट होगी, तो फिर आपको इमेज कुछ इस तरीके से डिस्टॉर्टेड मैनर में दिख जाएगी। यहां पे तो जैसी थी वैसी दिख रही थी क्योंकि सेम था भैया हाइट और विड्थ भी, लेकिन यहां पे हाइट विड्थ में भैया मामला थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया मैंने और उस हिसाब से चेंजेस आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, मतलब भैया यहां पे आप हाइट को कम कर सकते हैं, विड्थ को बढ़ा सकते हैं, विड्थ को कम कर सकते हैं, हाइट को बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे रिसाइज ऑप्शंस यहां पे, सिंपली आपको आंकड़े पुट करने हैं, उस हिसाब से आपको रिसाइज करके आपकी इमेज जो है वो प्राप्त हो जाएगी। चलो मैंने रिसाइज तो कर दिया, लेकिन 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 कई बार अपन बोलते हैं ना यार, अपन जब फोटो खींचते हैं तो बोलते हैं यार देखो वहां पे ना ये वाला ना उस फोटो में ना एक ऐसी अननेसेसरी चीज आ गई, ये काम करना उसको क्रॉप कर देना, उसको निकाल देना, ये फंक्शंस आपने देखे होंगे। तो अगर ठीक उसी तरीके से अगर मैं मेरी इस इमेज को, ये जो आप इमेज देख पा रहे हो यहां पे, अगर मैं इसको क्रॉप करना चाहूं, इसको अगर मैं क्रॉप करना चाहूं तो कैसे करूंगा, तो सिंपली आपको यहां पे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स यहां पे मेंशन करने होंगे कहां से कहां तक जो है क्रॉप आपको करना है। तो मैंने बता दिया भैया 0.0 से लेके 500.500, मतलब यहां पे एक पॉइंट होगा आपका, एक कॉर्नर होगा 0.0 और एक कॉर्नर होगा आपका 500.500। अब इसके बीच में भैया जो इमेज आएगी आपकी, जो बक्सा बनेगा, जो बॉक्स बनेगा, वो डिस्प्ले करवा दो। बराबर है, तो यहां पे अपन ने जो वो पॉइंट्स है, बाउंडिंग पॉइंट्स है, वो अपन ने यहां पे क्रॉप के लिए मेंशन कर दिए, क्रॉप मेथड में अपन ने मेंशन कर दिए। और जैसे ही मुझे ये क्रॉप इमेज रिटर्न में मिलती प्राप्त होती, तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से भैया आंकड़ों के अनुसार इमेज क्रॉप होके आपके सामने तैयार बैठी है। सो दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट कि भैया क्रॉपिंग भी अपन कर सकते हैं, इसमें भी आंकड़ों में हेर फेर बदल करके आप जो है स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ योर इमेज वो प्राप्त कर सकते हैं और बाकी सबका भैया हटा सकते हैं अगर अननेसेसरी चीजें होंगी तो। दोस्तों अगले ऑपरेशन ट्रांसपोज को समझने की कोशिश करते हैं। आपने कई बार अपने फोन में भी इमेजेस को एडिट करते वक्त देखा होगा कि भैया मुझे फ्लिप करना होता है, देखिए कई बार है ना हॉरिजॉन्टल फ्लिप होता है, वर्टिकल फ्लिप होता है, अगर मुझे ऐसा परफॉर्म करना है ऑपरेशन तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा है भैया, देखो आपको ट्रांसपोज कंसिडर करना पड़ेगा, उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा इमेज डॉट फ्लिप, मतलब आपको इमेज को फ्लिप करना है, कहां किस हिसाब से आपको हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है, और हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है इसीलिए आपको उसको लेफ्ट राइट मेंशन करना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से उसको भैया आपको क्या करना है, फ्लिप करना है। और जैसे ही मैं भैया फ्लिप रिटर्न में लेता हूं वो इमेज और आपके सामने रखता हूं, तो कुछ इस तरीके से वो इमेज मुझे फ्लिप करके मिल जाएगी। तो पहले जैसा नजारा था, अब उससे थोड़ा सा फ्लिप्ड नजारा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप कहोगे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट